अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद मलिक और आप देख रहे हैं अली स्पोर्ट्स। पाकिस्तान के स्क्वाड में क्या तब्दीलियां हुई है? साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका कब रवाना होगी और शेड्यूल क्या है? T20 मैचेस कब होंगे, वनडे मैचेस कब होंगे, पाकिस्तानी टीम जिम्बाब्वे के साथ कितने मैचेस खेलेगी और पाकिस्तानी स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी की छुट्टी हुई है, सारी तफसील इसी वीडियो में। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, सारी तफसील मिल जाएगी। उससे पहले हमारे चैनल अली स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप क्रिकेट का कोई भी मैच अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपके सामने तरीकाकार भी शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में जाए आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक को ओपन करें, यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम मैच लाइव देख सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि आप दुनिया क्रिकेट के तमाम मैच लाइव देख सकते हैं। IPL, PSL, बिग बैश, क्रिकेट के तमाम मैच लाइव देखने हैं, बेहतरीन एप्लीकेशन है, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि 2 अप्रैल को पहला T20 मैच खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम 27 मार्च को 30 रुकनी स्क्वाड जाएगा साउथ अफ्रीका। 2 अप्रैल को पहला वनडे मैच खेला जाएगा, 4 अप्रैल को दूसरा वनडे मैच, 7 अप्रैल को तीसरा वनडे मैच, 10 अप्रैल को पहला T20 मैच, 12 अप्रैल को दूसरा T20 मैच, 14 अप्रैल को तीसरा T20 मैच और 16 अप्रैल को चौथा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा। यह था शेड्यूल। और कौन से खिलाड़ी की छुट्टी होने जा रही है? तो जी हाँ दोस्तों, खुशदिल शाह के छुट्टी होने जा रही है, इफ्तिखार अहमद भी डेंजर है उनकी यानी कि स्क्वाड में जगह बनाना, और हुसैन तलत की भी तकरीबन छुट्टी होने जा रही है, लेकिन हुसैन तलत को वनडे में शायद मौका मिल जाए। तो मोहम्मद हफीज की वापसी होने जा रही है, फखर जमान की, शाहनवाज धानी की, आबेद अली की, इमरान भट्ट, शान मसूद का हैरान कुन नाम आ रहा है, इनकी भी वापसी होने जा रही है, हारिस सुहेल का भी नाम आ रहा है और शदाब खान की वापसी है, इमाम उल हक की वापसी है। मामूला के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो फास्ट बॉलर थे मोहम्मद वसीम जूनियर, उनका नाम भी सुनने को मिल रहा है कि उनकी भी स्क्वाड में जगह बनने जा रही है। तो जो हतमी स्क्वाड है, फाइनल स्क्वाड, 30 रुकनी स्क्वाड है जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो मेरी अगली वीडियो में मैंने बता दिया है, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है। आप मेरे चैनल में जाए, दूसरी वीडियो है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दूसरी वीडियो का, तो आप उस वीडियो में देखें, आपको हतमी और फाइनल स्क्वाड मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आप मोटिवेशनल और हकीकत पर मबनी सबक आमोज वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। यूट्यूब सर्च में जुनेद फयाज लिखें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया।